ओके, सो वेवर भी हाँ, कि हम ये बोल बता रहे थे, डिस्कशन चल रहा था कि दिल्ली में ये सब मुश्किल नहीं है, आए दिन ऐसे झगड़े होते रहते हैं। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। तो जैसे ही वो बाहर निकला तो उसको नौकर वापस आधे रास्ते से आता हुआ दिखा, तो उसने बोला कि क्या हुआ सुबह, तूने ऐसा सुबह सुबह ऐसा क्या कांड कर दिया कि इस मोहल्ले के सारे लोग तेरे पे बरस पड़े। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। मतलब उनको ऐसा लगा कि ये नौकर जो जा रहा था बिल्ली को छोड़ने सुबह को, तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि उसके अंदर कोई बच्चा है, तो वो उसको किडनैप करके लेके जा रहा है, क्योंकि उसके पीछे पीछे जाते हुए उन्होंने देखा कि वो बोरी हिल रही है। इसके लिए उन्होंने सोचा कि वो नौकर किडनैपर है। अमरु स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्खरा भी है। अल्पभाषी मतलब ऐसा आड़ा टेढ़ा बोलने वाला, मस्ती खोर वैसा। वह चुप रहा। देखते देखते 500 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। मतलब उन्होंने बोला कि घेर लो इस आदमी को, ये वही गैंग का लगता है जो बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, तो इसे पुलिस के हवाले कर दो। और देखा जाए तो उस एरिया से पुलिस थाना भी बहुत नजदीक था, तो एक आदमी तो घुस भी गया और एक पुलिस वाले को और एक हवलदार को साथ में लेकर आया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात में मजे लेने दें। मतलब पुलिस वाले को देख के एक आदमी ऐसा बहुत होशियारी मार के उनको बोलने लगा कि इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको ऐसा, हाँ पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, ये करेगी, ऐसा काम किया है तो उसको दंड मिलेगा, सब बोल के लेके जाओ और उसको हवालात में बंद करो, लेकिन वहां पे उसके मजे चल रहे हो। मतलब वहां आप इन शॉर्ट जैसे पुलिस वाले थे ना कि कुछ गुंडों से डर के रहते हैं, तो ऐसे सब वहां पे चलेगा नहीं। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी, मतलब पहले वो पब्लिक धुलाई होगी और उसके बाद आप लेके जाओगे, ऐसा बोल रहा था। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए, उसने बोला। ऐसा आश्चर्य नहीं लगता कि भरे मोहल्ले में ऐसा बिंदास कोई बच्चा उठा के लेके जा रहा है। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कहीं उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। उसने बोला कि 2 दिन पहले हमारी मोहल्ले से एक बच्चा गुम हो गया, पास वाले एक एरिया से तो बहुत सारे बच्चे उठाए गए हैं, तो आप मतलब खबरदार, जो इसको ऐसे ही जाने दिया है, पहले हम इसकी अच्छे से पिटाई करेंगे फिर इसको छोड़ेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरूप को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। तो सारे भीड़ ने इस को एक्सेप्ट किया कि ऐसे ही नहीं जाने देंगे, हम उसको मारेंगे, पिटाई करेंगे, और ऑलमोस्ट वो उसको पिटाई करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चे उठाए जाने की खबरें आ रही थी। मतलब उस टाइम पे सिचुएशन भी ऐसा था कि बहुत सारे बच्चे किडनैप हो रहे थे। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। तो एक बार ऐसा भी न्यूज आया था कि ऐसे लोगों को पकड़ा है जो बच्चों को ऐसा बोनी में भर के लेके जा रहे थे। इसके लिए पब्लिक को शक हुआ कि इनका नौकर भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो गया था ये किडनैपिंग की वजह से। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे।
इसीलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। दिल्ली में ये सब बहुत चर्चा हुई थी, बहुत ऐसे पॉलिटिकल मैटर्स तक गया था, बहुत सारे टीवी पे आया था, इसीलिए बहुत इंटरेस्टेड हो गए थे लोग। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी, तो वो सरप्राइज हुआ कि ऐसा नहीं कि उसको शक क्यों हुआ, बल्कि ऐसा कि उसकी मार पिटाई अभी तक हुई क्यों नहीं थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ तो टूट पड़ती होगी। मतलब अगर वो इंस्पेक्टर वगैरह नहीं होता वहां पे तो अब तक तो भीड़, पब्लिक धुलाई उसकी शुरू हो गई होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। मतलब इंस्पेक्टर ने उसको धमकाया कि बोले किसका बच्चा उठा के लेके जा रहा है, तेरे बाकी के साथी किधर है? आज मैं सारा प्रूफ इकट्ठा करके ही सबको अंदर करके ही मानूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से वो कुछ घबरा गया। मतलब पहले तो उसको टाइम पास लग रहा था, जोक हो रहा था, लेकिन जैसे इंस्पेक्टर ने धमकाया तो वो भी बहुत टेंस्ड हो गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। उसने बोला कि मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, मैं तो एक सीधा साधा आदमी हूँ, किसी के घर पे नौकर हूँ, वो काम करता हूँ और अपना पेट भरता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी ऐसे नहीं है मानेगा, दो चार बेत रसीद कीजिए। उसने बोला, जो इंसान थानेदार को यानी इंस्पेक्टर को बुला के लाया था वो बोला कि क्यों इतनी बकवास कर रहा है। फिर वो इंस्पेक्टर को बोला कि ऐसे नहीं मानेगा, आप उसको ना लेके जाओ। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ले ली थी कि अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, मतलब उसने वो डंडा अपने हाथ में लिया ही था कि उसने बोला झुककर, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले ये तो देख ले कि इस बोरी में है क्या, हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। उस नौकर ने बोला झुककर कि आप बेशक मेरे को जितना चाहे उतना मार सकते हैं, लेकिन आप इसमें है क्या पहले बोरी में वो तो देख लीजिए, तो देखना है तो हम थाने चलते हैं। तो भीड़ पागल हुई थी, तो भीड़ के लोगों ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसकी बदमाशी के हम सब गवाह हैं, मामले को ऐसे दबने नहीं देंगे, पैसे वैसे खिलाकर कुछ भी मैटर सॉल्व नहीं होगा, ये सब हमारे सामने होगा। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है, तो थानेदार को भी ऐसा लगा कि मेरी नीयत पे लोग शक कर रहे हैं। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांग मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। उसने बोला कि बोरी यहीं पे नीचे रखो, सबके सामने खोलो। जैसे ही उसने खोला तो बिल्ली ऐसा एकदम झपटा मार के निकल गई, एक दिशा से भाग गई, तो सब लोग हैरान होकर देखने लगे। थानेदार की भी समझ में ना आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक टांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में टांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। थानेदार की भी समझ में नहीं आया कि जिस पे शक कर रहे थे उससे कुछ निकला नहीं, तो किसी के कुछ समझ में नहीं आया, तो थानेदार अपने थाने की तरफ जाने निकला, लेकिन रास्ते में एक टांगे वाला था, तो उसको टांगे को एक बेत यानी एक फटका मारा और बोला कि तेरे को पता नहीं बीच रास्ते में ऐसा टांगा खड़ा नहीं करते। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। मतलब उसको इंस्पेक्टर है कुछ बोलना था, इसके लिए किसी और पे गुस्सा निकाल दिया और ये नौकर हंसता हुआ अपने घर वापस आ गया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ एनी डाउट प्लीज लेट मी नो।